बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये चारपाई बनाई है, शहरों में बेड इस्तेमाल होते हैं, गाँव में ये चारपाई इस्तेमाल होती है। तो आइए देखते हैं चारपाई बनी कैसे है। बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है चारपाई। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ रस्सियाँ करनी है इधर। रस्सियों को सही तरह टाइट कर ले। ये टाइट कर लें सही तरह। जिस सिरे से शुरू करनी है वो इतना छोड़ लेना है कि जितना ये चारपाई है इससे डबल छोड़ना है। चारपाई से डबल छोड़ना है। चार इस तरफ आठ रस्सियां हैं, चार इस तरफ और चार इस तरफ छोड़नी है। ये इस तरह, ये ऐसे, यहाँ से सेंटर में से ये निकाल लेनी और ये आगे इधर, फिर ये इस तरह टाइट करके ज़रा बनानी है। साथ मिलाते जाना इसको। ये हो गई है मुकम्मल। अब हमने इसको नीचे कर लेना है, ये ऐसे इस सिरे पे। इसका ये वाला सिरा जो है लास्ट वाला, ये बिल्कुल इसके साथ हो, ठीक है, बाकी सारी इधर हो, ताकि ये अब हमने शुरू करनी है ना, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू करेंगे और जैसे जैसे ये इधर जाएगी वो भी सीधा होता जाएगा। इसमें कोई भी स्टिक लेके इस तरह कर लें। पूरा टाइट कर लें इसको। ये इसको दौन बोलते हैं और ये रस्सी जो है वो अलहदा होती है, ये मोटी है ज़रा रस्सी। और ये जो रस्सी यूज़ हुई है जिससे चारपाई बनेगी, ये वही रस्सी यूज़ हुई है। ये वाली दौन की स्पेशल रस्सी है, ये जो है ये मोटी होती है ज़रा। बाकी ये वाली रस्सी जो है ये सेम चारपाई में जो यूज़ होगी वही है। डबल गांठ इधर लगा लेनी है रस्सी को और फिर ये वाली गांठ इसको लगानी है इधर। ठीक हो गया जी, ये ऐसे टाइट कर लेना। इसके ऊपर से ऐसे निकालनी है रस्सी, ठीक है, और दूसरी तरफ ले जानी है। इसके ये बाहर से ये करना है इसको, ऊपर से ये ऐसे, ये आ गई सीधी सीधी ऊपर से, ये इसके ऊपर से ऐसे,
हो गया जी। अब ये इसके नीचे जाएगी ये, और ये पकड़ी जाएगी इसके अंदर गिरेगी ऐसे, ठीक है। ये जो जगह बचती है ना चारपाई के इधर, इस तरह ये नहीं बचेगी खाली, इसको फिर टाइट कर लें। और ये अब उस तरफ ले जाएं रस्सी, ये इस तरह होगी, दोनों रस्सियाँ इसके नीचे से गुजरेंगी, ये ऊपर से आ जाएगी, ठीक है। ये आई ऊपर वाली इस तरफ होके इधर से, ये इसके अंदर से आके इधर चली गई उस तरफ, ये ऊपर से नीचे को जाएगी इस तरह, और इधर से ऊपर हो जाएगी ये, ठीक है। दोबारा से वही वाला करना है, ये इसके ऊपर से ऐसे इधर गिरेगी, ठीक हो गया जी रस्सी। ये इधर गिरने के बाद अब दोबारा ये फिर से उधर चली जाएगी रस्सी, उधर उस साइड से बिल्कुल सिंपल रहेगा, बस ऊपर से नीचे को ले जानी है रस्सी, सेम तरीके से तीनों निकाल लेनी है रस्सियां। रस्सियों को टाइट रखना है, और 18 रस्सियाँ 18 जो है ना, 18 रस्सियाँ इस तरह निकालनी है आपने, तीन इस तरह, 15 इस तरह, टोटल हो गई 18। 18 रस्सियाँ इस तरह घुमा लेनी है। 18 रस्सियाँ होने के बाद अब क्या करना है कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ रस्सियाँ उधर और नौ उधर, ये इस तरह छोड़ के सेम इस तरीके से नौ रस्सियाँ नीचे करनी है, और नौ के ऊपर से ये रस्सी गुजारनी। पहली नौ जो है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, ये रस्सी हो गई इस तरह। ये इस तरह हो गया। अब क्या करना है कि इसको, अब इसको इस तरह बिठा लें, इस तरफ से भी अब उसी तरह दबा के बिठा लेना रस्सियों को, ये रस्सियां भी नौ पूरी हो गई हैं। ये जब इधर से निकल के इधर आनी है, तो उस पाए के नीचे से ऊपर को होके आएगी ये इधर, उस
ये जितनी भी रस्सियाँ आई हैं ये उधर से होके आई हैं इस तरफ, ठीक है। नौ रस्सियाँ ये नई डाली हैं हमने, ये नौ। अब इनमें से नौ रस्सियाँ ना, जो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, ये नीचे कर लेनी है इसके, और इनमें से तीन ऊपर कर लेनी है। ठीक है जी, ये नौ नीचे हो गई, ये 18 थी, इनमें से नौ नीचे और ये नौ ऊपर, ठीक है। इनमें से नौ में से तीन उठा लिए, तीन ऊपर कर लिए, छः नीचे हैं। सेम अब ये जो है ना बाहर वाली तीन, इसकी ये ऊपर कर लेनी है, उठा लेनी है बाहर वाली तीन, ठीक हो गया जी। अब ये नौ नीचे चली जाएंगी, ये आ जाएंगी, ये तीन तीन का सेट बनाना है। तीन ये थी और ये तीन ऊपर थी। अब तीन जो है ना ये छः उठा लेनी है, ये छः, और इधर से भी ये छः, इसमें से फिर तीन गुजारनी है। तीन में ये उठाई हुई थी तीन, फिर उसके बाद तीन गुजारनी है, छः उठा लेनी है, इधर भी ये छः उठा लेनी है, फिर तीन गुजारनी है उसमें से नौ उठा लेनी है। ये पहली दफ़ा तीन की थी, फिर तीन की थी, इन इसके नीचे से तीन गुजारी थी, फिर इसके नीचे से तीन गुजारी थी, अब इन नौ के नीचे से ही तीन गुजारनी है। अब ये नीचे से नौ के नीचे से ही आएगी, तीन तीन रस्सियां। अब ये भी नौ हो जाएंगी ना, तीन ये और तीन और होंगी। अब ये नौ नीचे ले जानी है, ये वाली, इनमें से तीन ऊपर रखनी है, छः नीचे ले जानी है। ये नौ अलहदा हैं जो अब नीचे चली जाएंगी, इन ये नौ में से तीन ये वाली ऊपर आ जाएंगी, छः नीचे चली जाएंगी, और इनमें से अब ये तीन नीचे जाएंगी और ये छः ऊपर आएंगी। पहली छः जो है ये ऊपर ले लेनी है और ये तीन नीचे कर लेनी है। अब इनमें से एंड वाली तीन जो है ना वो ऊपर और छः नीचे, और ये सारी की सारी नौ नीचे। अब ये वाली नौ दबा लेनी है, तीन तीन छः तीन नौ, तीन इधर से उठा लेनी है, तीन इधर से दबा लेनी है, तीन इधर से उठा लेनी है, ये छः नीचे जाएंगी, ठीक है, ये तीन ऊपर, ये छः ऊपर और ये तीन नीचे। हिसाब ये रखना है कि ये भी नौ हो गई हैं, ठीक है, ये भी नौ हो गई हैं, और इधर से अब ये नौ ले, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, ये नीचे कर लेनी है।
Gracias.